इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹40 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमें कॉस्ट निकालनी है फ्लोरिंग की एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड की। तो देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने हमें बताया कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80% मोर देन द ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो रेशियो है, अगर आपके पास 5 है तो ये आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो ये है। पेरीमीटर है इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 14x × 2 इज इक्वल्स टू 112 है। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 4, मतलब ये आपके पास 36 और ये आपके पास 20। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया में हम मल्टीप्लीकेशन करा देंगे किसका, 40 का। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसका मतलब क्या, फर्स्ट इज सफिशिएंट। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं, उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, मतलब कि लेंथ माइनस ब्रेथ 31 एंड सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना, एल प्लस बी 56। अगेन आपके पास एल की वैल्यू पता चल जाएगी, बी की वैल्यू पता चल जाएगी, आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया में आप 40 का मल्टीप्लीकेशन करके इसके आंसर को निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या, सेकेंड भी सफिशियंट है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ओनली लेंथ साइड ऑफ द रेक्टेंगल ग्राउंड एट रेट ऑफ इतना मीटर हैविंग इतना ब्रेथ इज रुपीज इतना। ओके, तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, यहाँ पर ब्रेथ उसने दी हुई है कितनी आपके पास 720 है, और उसने इन दोनों साइड्स को फेंस कराया। ठीक है, 10 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट उसको ये लगी है। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास अगर फेंसिंग होती है, मतलब L 2L इंटू 10 रुपये की कॉस्ट से जो टोटल कॉस्ट आपके पास बन रही है वो 720 बन रही है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा आपके पास 360 लेंथ आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेथ आपके पास ऑलरेडी थी, सॉरी ब्रेथ कितनी थी 20 थी ये। ठीक है, आप अगेन वही चीज़ कर सकते हैं, लेंथ ब्रेथ आपको पता है, आप टोटल एरिया निकाल सकते हैं, इंटू 40 मल्टीप्लीकेशन कर रखे आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ईदर एनी स्टेटमेंट अलोन इज सफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसने बोला है कि 5 पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स 3 टाइप ऑफ पेन, बॉल पेन, जेल पेन एंड इंक पेन। ठीक है, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड इन 2018 फ्रॉम 2017 आउटर सर्कल। ओके, आउटर सर्कल आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2017 से 2018 में कितना परसेंट का चेंज हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी पी जो टोटल पेन मैन्युफैक्चर करती थी 2017 में, ठीक है, मान लेते हैं 100, तो 2018 में कितना करेगी, 20% ज़्यादा। ठीक है, मतलब क्या, 120 करेगी। फाइन, इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 फ्रॉम 2018, ये इनर सर्कल बता रहा है। मतलब क्या, अगर मैं बात करता हूँ कि 2019 में ये जो आपके पास पी है वो कितना मैन्युफैक्चर करता है, तो 10% लेस हो गया। इससे 10% लेस मतलब क्या, 108 अब वो मैन्युफैक्चर करता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि टोटल पेन मैन्युफैक्चर इज इक्वल्स टू टोटल बॉल पेन प्लस टोटल जेल पेन प्लस टोटल इंक पेन के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इन्फॉर्मेशन। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए, ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। उसने बोला कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंक पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इन 2018। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास कंपनी एस की 2018 में आपको फाइंड आउट करना है, तो एक चीज़ को समझिए। अगर मैं एस की बात करता हूँ 2017, 2018 एंड 2019, ठीक है, तो एस का अगर हम देखें आपके पास, अगर ये 100x है, इन दैट केस 20% लेस है पहले आपके पास, ये आपके पास 80x हो जाएगा, फिर उसके 30% ज़्यादा है, मतलब 104x हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बात क्या करी है, उसने बोला कि इंक पेन, मतलब इसमें से आपके पास जो इंक पेन है, ठीक है, वो कितने हैं, वो कितने मैन्युफैक्चर हुए। फाइन, तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, उसने हमें क्या बताया
उसमें लिखा कि टोटल जेल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर इन 2019 इज इतना, विच इज 40% ऑफ द टोटल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर इन 2019। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कंपनी आर की, तो कंपनी आर को भी एक बार देख लो। ये आपके पास अगर 100 वाई है, इन दैट केस ये 110 वाई हो जाएगा, और ये आपके पास 132 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला क्या यहाँ पर कि कंपनी आर ने 2019 में जितने भी जेल पेन मैन्युफैक्चर करे उसकी वैल्यू 1056 है, जो कि टोटल मैन्युफैक्चर्ड पेन कंपनी आर के 2019 से कितना है, वो 40%। मतलब क्या, अगर ये आपके पास 40% है तो 100, यहाँ से हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी आर ने 2019 में कितना मैन्युफैक्चर करा। मतलब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दैट केस आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आप ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तक हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। आगे वो क्या बताता है कि एंड द रेशियो ऑफ टोटल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर इन 2019 टू दैट बाय कंपनी एस इन 2019 इज इतना। मतलब क्या, सुन ले कि जो टोटल पेन मैन्युफैक्चर करता है कंपनी आर 2019 में, मतलब इसका और इसका उसने रेशियो दिया हुआ है। अगर आपके पास ये वैल्यू पता चल गई थी तो ऑब्वियसली आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास ये वैल्यू पता चल जाएगी, आपके पास ये टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, ये भी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस टोटल में से आपके पास इंक पेन कितने मैन्युफैक्चर हुए थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में आपके पास इसकी टोटल वैल्यू है, बट यू डोंट नो कि इंक पेन कितने मैन्युफैक्चर हुए थे। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सेकंड में क्या बोलता है वो हम उसको पढ़ लेते हैं। उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इन 2017 इज 2500। मतलब क्या, उसने इसकी बात करी है। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम बात करें, अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई तो आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप इसको अभी तक तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। आगे वो क्या बोलता है हमसे कि एंड रेशियो ऑफ टोटल बॉल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इन 2018 टू 2019 इज इतना। ठीक है, मतलब क्या कि 2018 में एस ने कितने बॉल पेन मैन्युफैक्चर करे और 2019 में कितने बॉल पेन मैन्युफैक्चर करे, उनका रेशियो आपके पास दिया हुआ है। मतलब 4K ये और 5K आपके पास ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसके बाद टोटल इंक पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इन 2018, ठीक है, मतलब क्या, ये जो आपके पास वैल्यू है इज 196% ऑफ द टोटल बॉल पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इन 2019। ये जो आपके पास वैल्यू है वो इसका कितना परसेंटेज है, 196%। मतलब क्या हम बोल सकते हैं 196% ऑफ 5K, तो ये आपके पास 20 हो गया। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 49/5। मतलब इसकी वैल्यू इस रेशियो के हिसाब से कितनी आ रही है, 49/5K। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करूँ तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट सेकंड से भी हमारे पास हम करेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें ये रेशियोज में तो पता चल गया, बट यहाँ पर आपके पास जेल पेन कितने मैन्युफैक्चर होते हैं आपको नहीं पता है ना, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी अकेला सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर मैं स्टेटमेंट थर्ड की बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए स्टेटमेंट थर्ड में उसने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जेल पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इन 2018 इज इतना। मतलब क्या, 2018 में जेल पेन इसकी वैल्यू 620 उसने दी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड से तो हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड की, तो क्या हम फर्स्ट और थर्ड से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, आपके पास फर्स्ट से हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू पता थी, 80x की वैल्यू हमें पता थी, बस इसके अलावा हमें और कोई वैल्यू नहीं पता थी स्टेटमेंट फर्स्ट से, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड को, अगर मैं इसमें ज्वाइन कर देता हूँ, इन दैट केस आपके पास ये वैल्यू पता चल जाएगी, बट आप इस वैल्यू को अभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड को यूज़ करता, ठीक है, तो देखो आपके पास क्या था, सेकंड से हमारे पास
एट्टी एक्स की टोटल वैल्यू पता थी, राइट right? इसको मैं यहाँ पर समझाता, देखो एट्टी एक्स की आपको टोटल वैल्यू पता थी, राइट right? उसके बाद इसका जो बॉल पेन है और इंक पेन है, इन दोनों का रेशियो आपके पास ये था 4 के, ये था 49 के अपॉन 5 ये था। अगर इस पर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो ना तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना आप लोग, फाइन। बट मैं बता दे रहा हूँ आपके पास क्या था, इन दोनों का एक वेरिएबल में रेशियो दिया हुआ था और थर्ड से आपके पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू पता चल गई है। अगर आपको थर्ड से इसकी स्पेसिफिक वैल्यू पता चल गई है, सेकंड से आपके पास ये टोटल वैल्यू पता थी, तो इस टोटल वैल्यू में से अगर मैं 620 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो इस रेशियो में आएगी, है ना, उससे हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड और थर्ड इज सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सेकेंड एंड थर्ड, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ बोटल्स मैन्युफैक्चर सर्टेन नंबर ऑफ बोटल्स एंड आउट ऑफ विच सम आर सोल्ड एंड सम रिमेन्स अनसोल्ड। ओके, उसने क्या बोला हमसे कि एक आपके पास बोटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बोटल को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें से कुछ सोल्ड हो जाते हैं और कुछ अनसोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल सोल्ड बोटल्स सम आर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। जो सोल्ड हो जाते हैं उसमें से कुछ आपके पास 10% प्रॉफिट पर सोल्ड होते हैं, कुछ आपके पास 30% प्रॉफिट पर सोल्ड होते हैं, ठीक है। बार चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड बोटल्स आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड बोटल्स एंड द परसेंटेज ऑफ बोटल्स सोल्ड एट 30% प्रॉफिट आउट ऑफ द टोटल बोटल्स सोल्ड, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि अगर हम बात करें 2016 में, राइट आपके पास अनसोल्ड बोटल कितनी है, ये आपके पास 48% है, जितनी भी जैसे कि अगर 100 बनती है तो 100 में से 48 के आपके पास अनसोल्ड है, तो सोल्ड आपके पास 52 ही, ठीक है। अब जो आपके पास सोल्ड हुई उनमें से परसेंटेज ऑफ बोटल जो कि 30% प्रॉफिट पर सोल्ड हुई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 75%, इसका 75%, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि व्हाट विल बी दी टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चरर इन ईयर 2016 एंड 2019 टुगेदर। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 2016 की, राइट आपके पास अनसोल्ड सोल्ड और जो 30% प्रॉफिट पर सोल्ड हुई और 10% प्रॉफिट पर सोल्ड हुई वो क्या क्या है। देखो इसमें से अगर हम बात करें 16 में आपके पास 48 यहाँ पर हो जाएगा, 52 आपके पास सोल्ड हो गए हैं। अब 52 में से भी 75% आपके पास क्या है जो कि 30% प्रॉफिट पर सोल्ड हुई है, इसका मतलब 52 का अगर मैं 1/4 करता हूँ मतलब क्या 13% आपके पास ये, ठीक है, और बाकी का 39 आपके पास ये हो जाएगा, राइट समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2019 में बात कर लेता हूँ तो उसमें भी देख लो आपके पास 25%, मतलब क्या अगर हम बात करें ये आपके पास, इसको मैं अगर 100 कितना ले लेता हूँ, अगर मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास 30 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 100% हो गया। और आपके पास 30% जो सोल्ड में से वो क्या 30% पर सोल्ड हुई है, ये 30% प्रॉफिट पर सोल्ड हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास 9 हो जाएगा और बाकी का 21 आपके पास ये हो जाएगा। इसको एक्स 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 और एक्स मान लो, इसको वाई 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 और वाई मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, देखो कि रेशियो ऑफ टोटल बोटल सोल्ड एट 30% प्रॉफिट इन 2016 टू द टोटल बोटल सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इन 2019 इज इतना, ठीक है। मतलब क्या, इसका रेशियो फर्स्ट से अगर हम बात करें तो 39x और आपके पास 21y, इनका रेशियो दिया है 65 और 63, ये आपके पास 3 times गया, 5 times गया। एक्स और वाई का आपके पास रेशियो आ गया, मतलब क्या ये दोनों सेम रेशियोज़ में आपके पास आ जाएंगे, दैट्स इट। आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता चलेगी, जबकि आपको फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोटल्स ये दोनों फाइंड आउट करना है ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट अलोन तो सफिशियंट नहीं है, सेकेंड की हम लोग बात कर लेते हैं। उसने बताया कि टोटल अनसोल्ड बोटल इन 2016, ओके मतलब ये इज इतना मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बोटल इन 2019, मतलब सेकंड से अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला कि 48x माइनस 10y
इज इक्वल्स टू 1500। ठीक है, इससे भी हम आंसर को नहीं निकाल सकते। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो थर्ड में देख लीजिए, उसने हमें क्या बताया कि इफ़ टोटल अनसोल्ड बोटल्स इन 2016 आर अज्यूम टू बी सोल्ड एंड दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड एट 30% प्रॉफिट इन 2016 बाई इतना परसेंट एंड नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इन 2016 बिकम ट्वाइस द नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड एट 30% इन 2019। ओके, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं अलग पेन से थोड़ा समझाता हूँ। देखो, उसने थर्ड में क्या बताया कि इसमें से ये जो आपके पास अनसोल्ड है ना 2016 में, ये सब के सब सोल्ड हो गए और इस तरीके से सोल्ड हुए कि आपके पास जो 30% पर सोल्ड हुआ, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया किससे, 220/3% से। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास हम बोल सकते हैं ना कि ये 39x वो इंक्रीज हो गया इससे। मतलब क्या, आपके पास अगर मैं इसका 220/3% निकालूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 10 times 13, ये आपके पास 5 times, ये आपके पास 11, मतलब 143x/5। तो हम बोल सकते हैं ना इसमें आपके पास इन में से जो 30% पर सोल्ड हुए वो 143/5x है। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग होंगे, मतलब क्या 48x में से अगर हम 143x/5 को सब्स्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी होगी 97x/5। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास ऐड हो जाएंगे, फाइन। तो उसने बोला क्या है कि अब जो आपके पास टोटल ये बना, ये ट्वाइस है जो आपके पास 2019 में 30% पर सोल्ड हुआ था उससे। मतलब हम बोल सकते हैं ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 65, 97, मतलब 2 × 162x/5। तो ये जो आपके पास 162x/5 है, ये ट्वाइस है 9y का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा, ये आपके पास कितना हो गया 81, 9, मतलब x/y आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 5/9 आ रही है। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, आपके पास x और y का जो वेरिएबल है वो सिमिलर हो जाएगा यहाँ से, है ना। हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है तो हम इससे ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब थर्ड भी अलोन सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड की, तो देखो फर्स्ट में आपके पास x और y के बीच में एक रिलेशन मिल गया था, ठीक है, और सेकंड में आपके पास ये एक रिलेशन है जो कि x और y के बीच में, ये इक्वेशन के तौर पर है, ये रेशियो के तौर पर था। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करके x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पर पुट करके जितने भी अनसोल्ड हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड और सेकंड से भी हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, यहाँ पर आपके पास x और y का रेशियो है, इसको अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे इन दैट केस आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड और सेकंड से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस टाइम से बोला है कि फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फीमेल्स एम्प्लॉयज इन दी सेम कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं कंपनी में और नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं। जो टोटल एम्प्लॉयज है वो इक्वल टू किसके हैं, टोटल मेल जो वेजिटेरियन है, टोटल मेल जो नॉन वेजिटेरियन है, टोटल फीमेल जो वेजिटेरियन है, टोटल फीमेल जो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज इन ए एंड सी, राइट। तो अगर हम बात करें, देखिए आपके पास ए एंड सी, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है हमसे कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इज 10। ए में अगर मैं टोटल की बात करूँ, आपके पास मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 180 हैं, और डिफरेंस मेल और फीमेल में दिया हुआ है उसने कितना, 10 का। इसका मतलब क्या, आपके पास मेल कितने हो सकते हैं, आपके पास मेल हो जाएगा 85,
फीमेल हो जाएंगी आपके पास 95, एक पॉसिबिलिटी, या फिर मेल आपके पास 95, फीमेल आपके पास 85। ठीक है, ये हमारे पास है। और उसने क्या बोला है कि एंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए एंड सी, वो आपके पास 90 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं सी में बात करूँ तो सी में आपके पास टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, ये आपके पास है 165 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास टोटल है 180 165, इसमें से आपके पास मेल और फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके पास इसकी दो पॉसिबिलिटी थी, 85 या फिर 95, ये आपके पास 95 या फिर 85, ये आपके पास क्या हो जाएगा। देखो इसने क्या बोला है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं ए और सी में वो 90, मतलब टोटल आपके पास 180 हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 85, इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 95। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 80 और इसके अकॉर्डिंग 70। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, इसके अलावा आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ पर इसके फीमेल में से नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियंस निकाल सकते हैं, बट मेल का आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, टोटल आप नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे स्टेटमेंट फर्स्ट से। स्टेटमेंट सेकेंड की अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि देर आर टोटल 1700/33% फीमेल एम्प्लॉयज़ इन सी। मतलब क्या, सी में उसने बात करा है कि 165 का कितना है, 17/33, और आई कैन से 5, मतलब 85 है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर उसने फीमेल की बात कर दी है सेकंड से अगर हम बात करें तो। एंड टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन मेल एम्प्लॉयज इन ए इज 5 लेस देन टोटल नंबर ऑफ वेजिटेरियन फीमेल एम्प्लॉयज इन सी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें सेकंड से, हमारे पास ये गिवन है कि सी में टोटल एम्प्लॉयज 180 165 तो हैं, इसमें से 85 आपके पास फीमेल है, तो मेल आपके पास 80 हो जाएंगे। और जो वेजिटेरियन मेल एम्प्लॉय हैं ई में से, अब ए में आपके पास मेल कितने फीमेल कितने सेकंड से हमें नहीं पता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी आप इसके आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखो क्या होगा, ये आपके पास 85 कन्फर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 80 कन्फर्म हो जाएगा, 95 कन्फर्म हो जाएगा, 85 कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ए में बात करता हूँ, आपके पास नॉन वेजिटेरियन कितनी है, देखो इसमें से नॉन वेजिटेरियन आपके पास है 65, तो वेजिटेरियन आपके पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से आपके पास नॉन वेजिटेरियन कितने, 45 है। ठीक है, तो आपके पास वेजिटेरियन कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, राइट। अब उसने क्या बोला था हमसे कि जो आपके पास मेल एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी ए में, ठीक है, वेजिटेरियन मतलब इसमें से जो आपके पास वेजिटेरियन है, तो इसमें जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं वेजिटेरियन, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू है वो इनसे, सी में जो आपके पास फीमेल वेजिटेरियन है इनसे 5 लेस है, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं नॉन वेज की। ठीक है, उसने हमसे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ हमें फाइंड आउट करने ए और सी में। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ये वैल्यू पता है, बट आपको यहाँ पर सी में जो मेल है उसमें से नॉन वेजिटेरियन कितने आपको नहीं पता है ना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से भी हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।